हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में और मैं हूं रवि। तो आज की वीडियो हम शूट करने जा रहे हैं दिल्ली में। तो आज हम दिल्ली में जाने वाले हैं, बेसिकली बंगला साहिब, जो फेमस गुरुद्वारा है दिल्ली का काफ़ी। मैं और मेरे ये दो दोस्त, ये मेरे साथ ही कंपनी एम्प्लॉयज़ हैं, तो हम जा रहे हैं आज घूमने के लिए। और अभी हम दिल्ली दिल्ली के अंदर एंटर कर चुके हैं, तो चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या है देखने के लिए और सीखने के लिए। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, तो देखेंगे आगे क्या क्या है देखने के लिए। और बाकी हम और दो तीन जगह भी जाएंगे, कोशिश करेंगे वहाँ से टाइम निकालें और जाएं, देखें वहाँ पे भी क्या क्या है और नया। तो चलिए चलते हैं और बने रहिए मेरे साथ। तो गाइस, यहाँ देख सकते हैं आप, काफ़ी ट्रैफिक है दिल्ली की रोडों पर। ऐसा ही ट्रैफिक देखने को मिलेगा आपको। ये मेन मथुरा रोड है, मैं सीधे वहीं तक ले जाएगी, बाकी आगे जाके देखेंगे कौन सा रास्ता है और कौन सा कट है। और मैं आपको ये पूरा रूट क्लियरली समझाऊंगा कैसे जाना है और कैसे आना है। अगर आप पहली बार दिल्ली में आ रहे हैं तो यहाँ ज़रूर आइएगा घूमने के लिए, काफ़ी अच्छी जगह है। यहाँ पे सेवा गुरुद्वारा लंगर 24 घंटे चलता रहता है, तो यहाँ आपको खाने की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए चलते हैं फटाफट। ये देखिए, ये है दिल्ली का ट्रैफिक। पिछले 1 घंटे से हम यहाँ फंसे हुए हैं, गाड़ी हमारी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ रही। और यहाँ पे ये अंडरपास बन रहा है। पिछले दुबे सर कब से बन रहा है? 3 साल हो गए इसको बनते हुए। 3 साल हो गए इसको बनते हुए, बट अभी तक नहीं बन पाया। ये बुक्स आपको मिल जाएंगे रास्ते में। और ये फाइनली गाड़ी थोड़ी सी आगे बढ़ी। पिछले 1 घंटे से हम यहाँ फंसे हुए हैं। दिल्ली में आपको घूमना है तो सबसे बेस्ट रास्ता है मेट्रो। मेट्रो से आए आप, 10 सेकंड के लिए घूमते हैं। और ये लग रहा है कि हम निकल जाएंगे इस बार। पूरी रहेगी कि इस बार हम निकल जाएं, बट ये फिर से रेड लाइट हो गई और फाइनली हम रेड लाइट के पास पहुंच गए। जो हमारे देश में झंडा नहीं फहराया रहा, वो यूक्रेन में झंडा लेके लोग बाहर निकल जा रहे हैं। इवन पाकिस्तानी भी, इवन पाकिस्तानी, बिल्कुल सही है। एम्बेसी ने ये बोल दिया है कि भैया आपके पास कुछ करने की जरूरत नहीं, आप इंडियन फ्लैग लेके बाहर निकलिए और आपको सेफ पैसेज दिया जाएगा। आप कोई आपके ऊपर कोई कुछ अटैक नहीं करेगा। सेफ पैसेज है, क्लियरली इंस्ट्रक्शन है। तो गाइस, आज हम जाके प्रे भी करेंगे कि ये यूक्रेन और रशिया का युद्ध रुक जाए, ये वॉर खत्म हो जाए। फाइनली हम जाम से बाहर आ गए हैं, बट दूसरी साइड अभी भी जाम लगा हुआ है। हर साल याद तेनू करते रहे, कोई साढ़े वाल करूंगा।
निजामुद्दीन की रेलवे राइड पे पहुंच चुके हैं। यहाँ से आप चिड़ियाघर भी जा सकते हैं, पुराना किला भी और साइंस म्यूजियम भी, तीनों एक ही रास्ते में पड़ता है, जिसे आप देख सकते हैं और घूम भी सकते हैं। काफ़ी अच्छी जगह है घूमने के लिए, और ये पुराना किला भी काफ़ी चीप जगह बोल सकते हैं इसे, 10 रुपये की टिकट है, इवन पहले तो 5 रुपये की थी, अब शायद 10 रुपये की होगी है, तो वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। और बगल में उसके चिड़ियाघर भी है, तो वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। फ्राइडे क्लोज रहता है चिड़ियाघर, बाकी ऑल डे ओपन रहता है, तो वहाँ पर भी आप जाके जानवर देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे जानवर रखे हुए हैं वहाँ पे। और उसी के आगे ट्रेड फेयर लगता है, वो कौन सी जगह है सर? प्रगति मैदान। इसी के आगे वो प्रगति मैदान है जहाँ पे ट्रेड फेयर लगता है, वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हैं। और साथ में क्राफ्ट म्यूजियम और साइंस म्यूजियम दोनों एक साथ ही हैं, तो उसका भी आप लोग ले सकते हैं अगर आपको अपना वीकेंड इन्जॉय करना है संडे के दिन, तो काफ़ी अच्छी अच्छी जगह है दिल्ली में घूमने के लिए। बट पेशेंस होनी चाहिए, देख सकते हैं आप कितना ट्रैफिक है यहाँ। ये देखिए दरगाह, ये हजरत निजामुद्दीन की दरगाह है, यहाँ देख सकते हैं आप। फाइनली हम पहुंच चुके हैं और गाड़ी हम पार्किंग में लगाएंगे। ये आप देख सकते हैं सामने बोर्ड भी लगा हुआ है, गुरुद्वारा बंगला साहिब, ये रास्ता है जाने का, ये लोग जाते हुए देख सकते हैं आप। ये हनुमान रोड है, उस पे आप डायरेक्ट सीधे वहीं पहुंच जाएंगे, खान रोड से सीधा हनुमान रोड और वहाँ से बंगला साहब। तो आप ये देख सकते हैं, ये मंदिर है यहाँ पे। यहाँ से आपको पार्किंग की टिकट मिल जाएगी।
चार बजे के यहाँ से ली टिकट हमने और ये गाड़ी पार्किंग में। ओके ये है पार्किंग। ये सामने आप देख सकते हैं बंगला साहब और यहाँ पे है जोड़ा घर जहाँ आप अपने जूते चप्पल उतार के रख सकते हैं, ये देखिए। और सामने भी सेम ऐसी एक जगह वो साइड, ये देखिए वो वहाँ पे भी आप रख सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अब ऊपर की तरफ। ऊपर फ़ोन अलाउड नहीं है, ऊपर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, तो हम बाहर तक ही वीडियो बनाएंगे। ये सीढ़ी ऊपर जाने के लिए, ये देख सकते हैं आप काफ़ी भीड़ हो रही है। संडे का दिन है तो संडे का दिन है इसलिए यहाँ काफ़ी भीड़ हो रही है, देख सकते हैं आप। देखिए ये रहे बाबा जी हमारे, बाबा जी के द्वार पहुँच चुके हैं। ये देखिए काफ़ी भीड़ है, देख सकते हैं आप। तू नूर दा फुटदा चश्मा ए, तू रोशनियां दी रेखाए, एक तेरा ही दरबार सच्चा, बाकी सब पर मुकुले। सतनाम कै ओ बंदिया वाहे गुरु कै, सतनाम सतनाम कै ओ बंदिया वाहे गुरु कै। गुरु ग्रंथ है गुरु साजा एक उस दीन है, ओ बंदिया वाहे गुरु कै। सखो नाई उगना है कदों किरत दे सूरज ने हाए, देख सकते हैं गुरुद्वारा है काफी सुंदर है। ओ कोई सियासत वट्टा संडे का दिन इस वजह से काफी भीड़ है यहां ला सकदी, और ये ऑलमोस्ट हर में सही रहती है इतनी भीड़, बट संडे को ज्यादा रहती है। बरकत नहीं जा हमारे गुरुदेव जप नाम, ये हमारे दुबे जाप पंडित जी, देख सकते हैं। बाबा मच्छियां चढ़ाउंदा दिसदा ए, पानी देख सकते हैं कड़ी चावल का आप यहाँ पे आनंद ले सकते हैं। ये देखिए लोग कड़ी चावल का आनंद लेते हुए, और यहाँ की कड़ी काफी स्वादिष्ट होती है, जिसे आप खाओगे तो आपको जबरदस्त टेस्ट रहता है इसका खाने का, दिल को स्वाद आ जाता है एकदम मन। कितनी पब्लिक है यहाँ पे देख सकते हैं आप, काफी पब्लिक है यहाँ पे जो कड़ी का स्वाद लेने के लिए खड़ी है। प्रसाद खा लिया है और ये बंदा पिछले 3 घंटे से बैठ के प्रसाद खा रहा है, ये देख सकते हैं अब इसकी थाली लगा पड़ा है पिछले 3 घंटे से खाने में। गाइस ये था हमारा बंगला साहब का ट्रिप और यहाँ से हम जाने वाले हैं साकेत। साकेत में सर कहाँ जाने वाले हम? इधर एच ब्लॉक। तो वहाँ क्या है सर? साकेत PVR। अच्छा साकेत PVR, तो वहाँ जाने वाले हैं, तो वो भी दिखाएंगे हम आपको इस वीडियो में। तो ये था हमारा फाइनली बंगला साहब, गुरुद्वारा बंगला साहब काफ़ी अच्छी जगह है, और यहाँ एक बार आपको मौका मिले तो ज़रूर आना। ये हमारे पंडित जी दुबे साहब, हाय कर दीजिए सबको। तो चलिए चलते हैं अब साकेत की तरफ, अब मिलेंगे हम आपसे साकेत।
टेग बाबा जिन्ना थावां ते पाए पैर तुसी उठे अज भी वरते देग बाबा पार नानक सब थाए कोकार नानक हार नानक पार नानक सब थाए कोकार नानक तू नूर दा फुटदा चश्माए तू रोशनियां दी